अली इश्क चरेंदा है, अली प्यार चरेंदा है। किस किस दे इश्क चरेंदा है, किस किस दे प्यार चरेंदा है। एडा सस्ता अली नहीं, तो जो करना दरा। अली इश्क चरेंदा है, अली प्यार चरेंदा है, अली इश्क चरेंदा है, अली प्यार चरेंदा है, अली हुस्न मुहम्मद दे अनवार चरेंदा है। हाँ, अली हुस्न मुहम्मद दे अनवार चरेंदा है, अली इश्क चरेंदा है, हे अली प्यार चरेंदा है। शाजी एड़ा पोल है ना दरम्यान लाइट लगी है, इस तो अद्धे आशिक इधर ने ते अद्धे कुदरती इधर बैठे ने, दरम्यान जी लाइट लगी हुई ते अली में शुरू किया है, यानी उस अली का बंदा शुरू किया है। एक शेर इस हिस्से का, एक साइड इन्हों एक शेर इन्हों का, दोनों की सुबह ला एक तुम चुप रहना पे इन्हों की वारी पहले, तो हुसने मुकाबला होएगा उन सुबहान अल्लाह, मुकाबला हुसने सुबहान अल्लाह, नेकी च मुकाबला करना साहबा का तरीका है, एक दिन तो बदलने की कोशिश करनी नेकियां जी। हुण ऐसन महल वाले चौक कर जाना कि आराम ना पुत्र बह के सुनो, ते बेहतर है कि तुसी एवें दो बार तुहानू होर उड़ीकांगे जी, जे तुसी चुप ना कीते ते फिर साढ़े कोल है बंदे फिर चुप है बेहतर है। हजरात मैं एक शेर तुहानू पहला दे रहा, सुनना है कि जिस दे घर पुत्र जमे ना उनका अब्बा बड़ा खुश होंदा है, अल्लाह करे उनका अब्बा होवे। उनका अब्बा बड़ा खुश होंदा है, वह फिर चुग चुक के ना कदे इधर दोस्तों विखा कदी चाचे नूं विखा, ऐ वेख ऐ वेख मेरे ते गई ऐ ऐ वेख है नक वेख कैसा, वो बंदे हाँ यार क्या बात है मत्था भी तेरे, वह बड़ा खुश होंदा कि मेरे ते गया। सोच जदों अली हुसैन लैके अली पाक नजर आवे, अली अपने पुत्रां दे रुखसार च रहिंदा है। हाँ, अली अपने पुत्रां दे रुखसार च रहिंदा है। अली अपने पुत्रां दे रुखसार च रहिंदा है, अली इश्क च रहिंदा है, अली प्यार च रहिंदा है। तुसा सुने बड़ा कमाल सुने, तो वारी इन्हों की आ गई, पता नहीं की बनेगा शेर ते आए। जदों सदा दा दे रहे होवन ते उम्मती दी की वाह, उम्मती दा ज्यादा हक बनता है कि सईयां नूं राजी करे। आखिरी शेर तुहानूं दे रहा, तुसीं आना ते आ जाना, वारी इन्हां दी। अमानतां दित्तियां ने सरकार ने हैदर नूं, क्या बात है। अमानतां दित्तियां ने सरकार ने हैदर नूं, फिर कहना पैना अली पाक मुहम्मद दे इतबार च रहिंदा है। अली पाक मुहम्मद दे इतबार च रहिंदा है। किनू किनू अली ते इतबार है,
अली ते इतबार करना मुस्तफा दी सुन्नत है। अली अपने पुत्रा अली पाक मुहम्मद दे इतबार च रहता है। हजरत शाह साहब दस रहे सानू तो दस ही सीना सदीक अकबर ने कि अली लिखी में करी दी फरमा रहे सन एवं वो नसर च पढ़ रहे सर। मैं तेरा शेर च कह देना तेरी तो मेरी पाक अम्मी जान अम्मा आयशा ने अपने बाबा जान को पूछा है सीना सदीक अकबर को कि बाबा जानी मैं अक्सर वेख्या तुसी अली नू बड़ा गौर नाल वेखदे हो हुण मैं क्या ना इहदा कोई रावी कमजोर है ना कोई इधर उधर कमजोर है। हजरात जो नबी देवे ओ ले लो जो ना देवे ओ उस तो रुक जाओ इहदा ना दीन है। जिस तो मुस्तफा रोक देन ओ ना लो जिहड़ी शै दे देवन ओ ले लो इहदा ना दीन है। हुण हजूर कुछ देना जिहदा जदों हदीस हो जावे तो हजूर कुछ दे रहे होंगे। हदीस ही कोई छोटी चीज़ का ना नहीं है। अगला जमाना होंदा सी ते लड्डू लड्डू जेब च पा के ना बंदा जंगलों का सफर होंदे सन किते किते कुछ आलम दीन मिलता सी ते उन्हूं कहना हजूर मैं सुनया तुसी आलम दीन हो जी हुक्म करो हजूर मैं तुहाडे वास्ते मिठाई लै आया मैं सही गल करना पिया लड्डू चख लो दो खा लो तीन खा लो तो मैनू एक नबी की हदीस सुना दे। कोई हदीस का छोटा मकाम है तू एवं गल इधर उधर कर जाना जी हदीस में सुन के समाना ना बोले समझो हजूर का असर ही नहीं होया। हुण अम्मा आयशा रावी ने रवायत फरमा रहे कि मेरे अब्बा जानू मैं पूछा भाजी तुसी अली नू बड़ा वेखदे हो बड़े टिकटिकी ला के वेखदे हो। उन्हें कहा मैं अपने हबीब अपने महबूब को सुनया कि अली दा चेहरा वेखना इबादत है। किसी माँ की जरूरत है गल झुठला जाए क्योंकि हदीस है। सदीक इबादत ली रुखे पाक अली वेखे फिर कहना पैण मसरूफ ओ हैदर दे दीदार ज रहंदा मसरूफ ओ हैदर दे दीदार। मैं अली तो बाद अली पढ़ लिया मैं दरवाजे जो अंदर आया अवैध बच्चे ने जेड़े हले तक बच्चे ने यो जे बच्चा इन्हों यार थोड़े जी कहता मैं नहीं कुछ किया मारना नहीं तो बस एवें हल्का हल्का जहा जा बस बेटा हुण तुसीं जिन्ना गवांडी हालांकि जिन्ना बच्चा शोर नहीं किया वह भी जा रहे ने क्योंकि उन्होंने गवांडी गंदे सन गवांड का बड़ा असर होंदा बेचारे कुछ भी नहीं किया जा रहे तो अस नबी पाक की महफिल जेड़ा भी चाहे कुछ भी यह जहाँ काम करेगा वह निकाला जाएगा चाहे जान हो तो भावे वह जान बदतमीजी कितने भी जून बर्दाश्त नहीं करते भावे फिर यह कर लग गए इं नहीं कि महफिल खराब करना कोई चंगी गल तो बच्चों की पता की हो रहा की नहीं उन्हें तो अपना रोग लेना होंगे। हजरात मैं अली पढ़िया थोड़ी देर मैं पहले वेख्या एक बंदा इतों ही निकल रहा से अली करके बड़ा औखा जो कि इतने निकलिया वो हालांकि असं इधरों आए प्रॉपर एक रस्ता बनाया गया वो इंतजामिया ने टेंट लाया भी तू भाई इधरों आना सी इवें मुस्तफा ने प्रॉपर एक दरवाजा रखे उम्मत नूं दस्सिया कि जनाब बूहे लुआना मैं थोड़ा नबी हाँ तो मैं तुम्हें कोई बोझ दिता तो बूहे लो तुम मरो क्या थोड़ा नबी का दरवाजा पसंद नहीं आया किनू किनू पसंद आया तो जो तुम दरवाजा नबी दस ही छड़िया भी आ मेरे वाल आने का दरवाजा है तो तशरीफ लाया दरवाजे वालों तुम टेंट के थलू कभी टपते पे हो कभी तुम उदू टपते पे हो मैं समझा गया बहुत कुछ जिन्होंने पसंद है उधर हूँ दरवाजे लो आएगा इंशाला उनको पता मेरे नबी ने बनाया तो मैं दरवाजे चो अंदर आ गया तो हूँ मैं शहर पढ़ना है हूँ मैं अली का नबी पढ़ना है सुने सदीक का नबी पढ़ना है तो लिहाजा हूँ जिन्ना जिन्ना नबी पाक में सुनना है उन्होंने दात का कद भी हूँ थोड़ा जो होर उच्चा होना चाहिए। मस्जिद नबी दसें आए
मेरी अपनी सवाल निकल गई, पुराने की होकर निकल गई, तू सवाल। मैं कहा मस्जिद नबी च सरकार बैठे सन, चंद चौधरी तो चमक रहे थे शाह साहब। बस मैं जल्दी ना अपनी गल नूं मुकाना, तो मैं फिर कभी इन्हां नूं सुनावण आवांगा। अज बस सिर्फ चैक करना कि बंदे किन्ने ज़ौक करे। हज़रात चंद चौधरी तो चमक रहा है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते मैं गया सरकार सुरख सुरख धारीदार लिबास पा के बैठे। सोचो केड़ा सोहना लगता पिया, अल्लाह की कसम तुम संभालो, मैं नहीं आखी जिम्मे सोहना लगता पिया। कजा कर बंदे कदी कदी आ नमाज असर दी रह जाए तो कजा वो नहीं मुड़ी बंदा अदाई कर सकता है, पर नबी की हुसन ते दाद ना ना बंदा दे कजाई कभी हो ही नहीं सकती हो जाए। समझ आई गल? हजूर ते उन्हें एक बार कजा की थी। ओ जिन्हें कहा मैं ता, मैं आला ओ आदम नु सजदा करन लगे, उन्हें कहा मैं आला ते मैं इन्हू क्यों झुका, ये तो मिट्टी चू बनया है। बस उस दिन कजा की थी, अज तक लानत पै रही है। सिर्फ दाद ही कजा उन्हें की थी, करनी तो वाह वाह सी नबी इनकी, क्या बात है, आह हा वाह ए दाद ही होंगे ना, क्या बात है, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। ए कहण तू कासर सी, इन्हें कह वाह वाह नहीं करनी, ए तो मिथु नीवा है, ए मैं तू उच्चा। मालूम होया बंदा जो दाद ना दे दिल च रौला जरूर होंगे, वो समझ रहा था मैं इस वाल महकमे दाद देवा। एक कल का बच्चा हूँ स्टेज पर खलो रहा, अभी एडे वे हो गए, इनका मतलब तेरे अंदर कोई रौला पै गया, तेरे अंदर उन्हें भी रौला ही पाया सी, मैं वड्डा तो ये मैं तू आला नहीं, अल्लाह दफा हो जा। पूरी जिंदगी तू इको बारी वो कजा हो, उस बस फिर अदा होने का मौका ही नहीं मिले। तू लिया कजा ना की करो जो नबी का हुसन बयान हो रहा हो। मैं असल जाबर की रवायत पढ़ना पे, वह फरमाते मैं चंद चौदहवीं का कभी वेखा कभी मुस्तफा वेखा। यकीन करें बंदे बड़े जौक करें, बस अज फस गए मेरे नाल थोड़ा जहा, कोई बात नहीं, इतने जौक लेना। हम जब जाबर ने की क्या होना, मेरे दिन कहता मैं शेर कह दिया।